अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं जाफरपुर हॉस्पिटल में हूँ, पीजीआई केस को आपने, और यहाँ पे एक पूरा परिवार रोन बिलखन लाग रहा है। मामला बहुत गंभीर है, ये माँ रोन लाग रही है और क्यों रोन लाग रही है, कारण क्या है, सारी चीजें सामने लाऊंगे। आंटी जी एक मिनट जी, आंटी हुआ क्या ये बताओ पहले। सर यारंजी से एक साल पहले की, एक साल पहले की। अच्छा अब कहाँ से आ रहे हो? अब कौन से रहने वाला? हम यही का नजफगढ़ का, ठीक है, चंदू का है वैसे गुड़गांव, लेकिन हमने काफी साल यही होगा नजफगढ़ में रहो, नजफगढ़ में रह रहा, अपना मकान बना रखे, ठीक है। 2004 में मेरा हस्बैंड गुजरे था, उसका 12 महीने मैंने ये छोटे छोटे पाले थे, जैसे आज मेरे बेटो मेरी बेटी, ठीक है, ठीक है। उसका बाद में मैंने मेरा बेटा का नाम को मीटर भी पढ़वा दियो, पुलिस रिपोर्ट भी। किसने? आंटी जी एक तो मर गए बलजीत है, एक अब तो 10 दिन हुए हैं। अच्छा, उसने अपनी वीरमानी का झूठी पावर टोर्नी बनवा दी। नहीं, कौन था ये बलजीत? ये बलजीत मेरा भाई था, सगा भाई था। अच्छा, मेरे से पैसा मांग रहा था, मुझे पैसा दिया नहीं, ठीक है, ठीक है। पैसा इन्हें लुकमा 20-22 लाख रुपए खूब खाया इन्हें, ठीक है, ठीक है। सामने मेरे बेटो भी है, पैसे खाने में, पैसा खाने। कौन सा बेटा? छोटा वाला बेटा। उसका क्या नाम है? दीपक, ठीक है। दोनों मामा बन जा कर तम करता था, हम कड़वा दही गई मेरी बेटी भी, मैं भी, हमने अपना सारा हिस्सा दे दिया, मेरे बेटा ने भी लगा दिया, सब ने दे दिया। अब हुआ क्या? अब उसका 12 महीने हम बंद करवा दिए थे, सारा काम हो लिया था, कोर्ट में केस चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसका बाद में ये मेरा बेटा की गल काल चानस गया। क्या हुआ? जैसे काल ड्यूटी निकला 7 बजे, ड्यूटी निकलती दो गुंडा गैल लग गया, गैल लागती उसकी गल के घटना हुई है, बाकी हमारे से पुलिस वाला नहीं मिलन दिया, हम इतनी बोला 2 मिनट बात कर ले, उसने 2-3 बात बताई, ज्यादा हम बात नहीं कर पाए। आपको आपसे किसने बात करी? मेरे आपके बेटे ने, मेरे से करी, मैं गई थी थाना में। अच्छा, पकड़ रखा था वो? हाँ। किस केस में, क्या क्या कर दिया था उसने? जो गुंडा गैल लग गया, इसने 100 नंबर पे कॉल करी मेरा बेटा, इसका नाम क्या भाई? राहुल का, राहुल ने, हाँ, राहुल ने कॉल करी, पुलिस आई, गाड़ी ले आई, वो खेता में भी बाजे है, मेरा बेटा ने ये बात कही, हाँ मैं खेता में भी बाजे हूँ। फिर पुलिस गई है, पुलिस गाड़ी ले आई है, कहाँ से ले आई है, कहाँ पाई कहाँ नहीं पाई, ये मुझे नहीं दे रहा है, क्यों इतना इन्हें टाइम नहीं दिया मेरे से पूछने के लिए, सिर्फ मोटी मोटी 2-3 बात पूछने पाई, बोला मम्मी मेरी देह दुख रही है, मैं मारे उन्हें। अच्छा, हाँ, ये फोन पे बताइए। हाँ, नहीं मैं मिलका ही हूँ। कहाँ गए थे? थाना में। कौन सा थाना था? ये हरिदास, बाबा हरिदास, हाँ, ये काली प्याऊ दोरा, काली प्याऊ दोरा। मैं हरिदास में मैं जाकर खुद अपना बेटा से मिला, जब मैं यहाँ से गई हूँ तो उनने कही दारू पी रहा है, ये सो रहा है, ये नहीं उठेगा। मैं बोली नहीं, मेरा बेटा दारू नहीं पीवे, मैं जा रही हूँ ना, पीवता भी हो लेकिन मैं जाऊंगी। मुने जाकर ऐसे हाथ लगाया, राहुल तुरंत बैठे हो ली, हाँ मम्मी, मम्मी मेरे चोट दुख रही है, मैं मारा, 2 जना ने घेर लिया, तुम्हारा बताओ खेता में भी बाजिया हूँ मैं। उसने ये बात करने पाई, उन आदमी का नाम नहीं बताया, कौन थे? नाम बता दिया, उसका नाम पता नहीं के था, मेरा नाम याद है, बिट्टू के नाम था रे, अरे के नाम था उनका, बीसी और आजाद, बीसी राजा, सीबी, सीबी राजा, कौन है, कहाँ के हैं? मित्राओं के। अच्छा, इन्हें मारे है मेरा बेटा, कितना मारा कितना नहीं, नहीं तो पुलिस वाला देखने दे, बस इतनी कही मेरे बेटा, मम्मी मेरी देही दुख है, मैं खेता में भी खूब भाग गया अपनी जान बचान की मारी, लेकिन ना मेरा पैसा गुम हुआ, ना मेरा वो गुम हुआ, फोन मेरे थाना में जमा, गाड़ी ने भी छोड़ा है, पुलिस वाला गाड़ी लिया है, ठीक है। उसका बाद में सर इन्ना नहीं मिलने दी, मैं बार कार्ड दी हूं, चले जाओ, हम आ गा, मेरा बेटा ईसा था सर, जैसे ये बेटा खड़े, ठीक है जी, नॉर्मल था बिल्कुल, यो मेरी गैल था, हम दोनों गए हैं, यो मेरी साथ था, यो मिलका है हमें सारी, मारा गया है और जी मेरा पुलिस, उसमें मेरा बेटा मारा गया। फिर पुलिस वाला ने ये बात कही, मैं नंबर देता हूँ,
7 बजे मेरे पास फोन करियो। 7 बजे तो जी पुलिस वाला का ही फोन चलेगा, पुलिस वाला का फोन चलेगा। क्या बोला? बोला के इसकी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ, ज्यादा सीरियस है हॉस्पिटल में। मैं सर आई हूँ। आने के बाद उनने देखा, बोले कहाँ है, कितने बच्चे है, कितने बेटे है, कितनी बेटी है, कहाँ के रहने वाले हो, सारा पूछ के। और बोला कि तो डेथ होगी हमारे पढ़ाई। और जिनने मारपीट की उनका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं। और जब इस तक कही कि भाई पुलिस वाला था कि इसने छोड़ दे, इसने थोड़ी, इसने तो कंप्लेंट करी है, कही इसने तो कंप्लेंट करी है ना अपनी जान बचान की, मेरी इसने छोड़ो, हम लेन आया सुबह छोड़ दिया उसी का मर्डर। अब इसने किसी वकील के आगे ये भी कही है, विद्यानंद ने, अब उसके माँ और उसका भाई लेने के लिए आया था, लेकिन वे बोले हम नहीं लेके जा, सुबह लेके जाएंगे। अरे अपने आदमी को कोई छोड़ेगा क्या? ठीक है, उनने ये भी झूठ बोली कही है, अब हम सुबह लेकर जाएंगे। हम कह रहे हम लेकर जा, हमारा नगैल भेज दे, नहीं पुलिस वाले की ड्यूटी थी कि नहीं, चलो गुंडा का लग रहा था तो मैं घर छोड़ के जाता मेरा। तो गुंडा ना पकड़ो ना, गुंडा नहीं, उसने तो रिपोर्ट करवाया, क्यों करे गये उसके पीछे मार पिटाई हो रही, वो बंद कर दिया। पुलिस सुरक्षा के लिए एक भाई, और फिर मेरा साथ पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, या हमें मारने के लिए हुई है। ऐसे नौजवानों को फिर पुलिस में रखने का फायदा क्या है, जो किसी के भाइयों को ऐसे ही मार रही है, किसी के बच्चों को। किरसन और सरिता की रंजिश थी, ये आपके भाई के पहले जो 1 साल पहले हुई थी ना, इन्हें मेरा पे प्रॉपर्टी का इतना मामला डाला था, इतना वो डाला था, मेरा बेटा 1 साल पहले बंद कर दिया, 50,000 दे के छुटवा के लाई थी। ताऊ का बेटा जो था वो रात में छुटवा के लाया था, रात में 1 बजे में पैसा भर के छुटवा के लाई थी। अब मेरा बेटा ने इंसाफ मिलना चाहिए। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, मामला मेरे इंसान, मेरा बेटा नौजवान आज मुझे खो दिया है। पुलिस वालों को भाई वहां से निकाल दिया जाए, ये पुलिस वालों को नहीं रखा जाए, कुत्ते हो रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ जिसने कंप्लेंट करी वो ही मरवा दिया, जिसने कंप्लेंट करी वो ही मेरा खत्म करवा दिया। आज सर ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है।